अरे रे 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 रे। तो वेलकम बैक गाइस एक और नए वीडियो में। तो आज जो अपन राइड हो रही है, इतनी सी छोटी सी राइड हो रही है, वो है यहाँ पर मानसरोवर में। अभी नया प्रोजेक्ट जो ओपन हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो ओपन हुए उसको तो, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वहाँ पर जाने का। और बाकी उधर से तो बहुत बार आने जाने का रहा है, लेकिन कभी बस एंटर नहीं हुए अंदर। तो बाहर की खूबसूरती देखी है, तो आज अपन अंदर की खूबसूरती भी देखेंगे और आपसे भी शेयरिंग होगी। तो वीडियो बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। के बारे में मैंने सुना है, तो थोड़ी सी बात जब तक पहुंचते हैं तब तक बात कर लेते हैं उसके बारे में थोड़ी सी। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा। तो बाद में जैसे फुल रेडी होता है, बन के तैयार होता है, तो उसके बाद इसमें टिकट वाला सीन हो जाएगा। तो अभी इसमें कोई टिकट चार्जेज नहीं है अभी इसके घूमने के या देखने के। देखना तो बनता है अभी भी और बाद में भी। तो अभी क्या है कि थोड़ा आइडिया लग जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से फुल टू रेडी है, कुछ कुछ बचा है शायद। तो अभी बाकी तो अपन विजिट करेंगे वहाँ पर, तो पता तो चल ही जाएगा। ओ भाई, पूरी एक्टिव स्कूटी का यूटिलाइज तो भाई यही कर रहे हैं। आई होप कि विंड नॉइज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं दो तीन दिन से बराबर ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग जगह माइक को लगा के, लेकिन विंड नॉइज आ ही रहा है। अगर फाइनली अभी भी नहीं आया सही हुआ, तो फिर हेलमेट ही चेंज करेंगे। क्योंकि ये वाला हेलमेट है, ये काफ़ी बेसिक सा है, ना थोड़ा अपर लेवल का है ना लोअर लेवल का है, मीडियम लेवल का है। सही टाइम पर रेड लाइट पर पहुंचे, ग्रीन लाइट होने वाली है। ये हो गई, ये देख तुम्हें आप तो हर जगह ही है, नहीं सुधर सकते। ये रोड का बहुत टाइम, अभी थोड़े टाइम पहले ही बनी है, तो बहुत टाइम तक ये ऐसे ही थी गड्ढे वाली, रैसे अब बढ़िया स्मूथ वाली हो गई है। तो अभी बस पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। सामने विटी रोड चौराहा आ ही है, तो उसके लेफ्ट साइड में ये है। तो ये जो विटी रोड चौराहे से लेके और जो उधर जो दिल्ली आगरा वाला हाईवे अजमेर वाला, उसके उस साइड तक है पार्क। और ये अभी यहाँ पर मेला लगा हुआ है, पहले यहाँ पर तिब्बती मार्केट लगता था इधर ही। और जब स्टार्टिंग में लगता था तिब्बती मार्केट, वो लगता था अमरूदों के बाग लाल कोठी विधानसभा के पास उस साइड में, और फिर यहाँ पर, और अब गया वो मानसरोवर इको इंडस्ट्रियल एरिया की साइड। और आज धूप हल्की हल्की सी हो रही है, तो एक हल्की सी राइड करने में मज़ा आ रहा है। नहीं तो क्या होती है कि एकदम धुंध वाली सी सर्दी होती है ना, तो फिर कुकड़ी बनती है भाई। न्यू ईयर कार्निवल, काफ़ी शांति छा रही है कार्निवल में तो अभी। अरे रे 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 रे, ओवरलोड हो रखा था बच्चा, कार्टून में थोड़ा खाने पीने का सामान डाल रहा। तो आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा भाई। और यहाँ पर पहले ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा नहीं रहता था, जो इसके बाद से रहने लग गया। तो ये सिटी पार्क अपन पहुँच चुके हैं, तो इसके आगे का फ्रंट का, इसके सामने भी और बना हुआ है, और बाकी जो मेन है वो इधर है ये वाला। गजब का लग रहा है यार, तगड़ा ही कंसेप्ट है। तो इसका मैंने भी काफ़ी दिनों से तारीफ सुनी थी कि मस्त है मस्त है। और इसमें बता रहे हैं कि कैंटीन और वो सब है, खाने पीने का जुगाड़ वो, मतलब मस्त वाला बनाया एक। देखते हैं अब कैसा है, रिजोर्ट टाइप में है कैसे। तो यू टर्न ले लेते हैं भाई जल्दी से, नहीं
हूँ तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो पार्किंग इधर से आती है फिर, और भाई गजब ही हो रही है अभी इतनी सुबह भी, और वर्किंग डे में ये हाल है इसके क्राउड के, बाकी छुट्टी वाले दिन तो कितने ही रहते होंगे। तो यहीं पर लगा देते हैं, यहीं से ऊपर जाते हैं फिर। तो ये फ्रंट है उसका आगे का, और उसके ठीक पार्क के सामने ये वाला एरिया है, कुछ इस तरीके का उस तरीके के डिज़ाइन में दिया हुआ है, और बाकी ये इधर है एंट्रेंस इसका, ये देख रहे हो। मतलब तारीफ में जितने गुणगान करें ना कम है। अरे यार गजब ही क्राउड हो रही है इधर। तो फाउंटेन वाला इधर भी है, बहुत बहुत वाली ज़्यादा वाली क्राउड है, काफ़ी कलरफुल फूल लगाए हुए हैं इधर, गजब की खूबसूरती। वो सेंट्रल पार्क वाला जैसा कुछ बनाया हुआ है उधर, तो पहले देखने मेरे को सेंट्रल पार्क लगता था भयंकर कि जयपुर में वही पार्क है, लेकिन अभी तो बहुत सारे हो गए, जैसे लैंडस्केप पार्क भी मस्त है मानसरोवर में, बाकी अभी ये ओपन हुआ है मानसरोवर में, तो ये तो गजब है ही। मतलब इसमें इतना कुछ है, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। उधर लेफ्ट साइड में तो क्या कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है अभी बहुत सारी जगह, तो मतलब उम्मीद से ज़्यादा बचा हुआ है अभी कंस्ट्रक्शन का काम, तो सिर्फ अभी फ्रंट से ज़्यादा रेडी हुआ है, बाकी तो अभी ये देख सकते हो आप यहाँ पर काफ़ी बाकी है, इधर बहुत कुछ बनना बाकी है। जब पूरा फुल टू बन के रेडी होगा ना वाकई में शायद टिकट लेके आने में शायद पैसा वसूल हो जाएगा टिकट का, तो वो तो फुल रेडी होएगा तभी पता चलेगा, और जब विजिट करेंगे तब। अभी उधर इंडिया का अपना फ्लैग लगा हुआ है, काफ़ी फाउंटेन्स भी चल रहे हैं उधर, तो अभी थोड़ी देर में उधर चलते हैं। काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट है भाई, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मानसरोवर के किसी और पार्क में इतना ओपन एनवायरनमेंट, इतना फ्री फील होगा, क्योंकि सबसे टॉप लेवल में यही रहने वाला है शायद आगे भी काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक यही रहे, और अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है तब भी इतना अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट नहीं है फिर भी इतनी बढ़िया फ्री वाली फीलिंग आ रही है, एकदम फ्रीडम वाली सी, जो कंफर्ट रिलैक्स वाली फीलिंग आती है ना वैसी वाली फीलिंग आ रही है इधर, गजब यार। अगर आपको भी सही लग रहा है खूबसूरती इसको थोड़ी समझ में आई हो, तो आप भी 2-4-8 शब्द इसके लिए बोल सकते हो। हालांकि उधर फिर वो फाउंटेन्स और फ्लैग लगा हुआ ना उधर, वो उसके पास में ही पड़ता है जो रोड जाता है, हाईवे जाता है, जो अपना दिल्ली आगरा अजमेर वाला है, उसे थोड़ा ऐसे चढ़ने वाली सी फीलिंग ऐसे बढ़िया आएगी है ना। वो पेड़ देख कितना गजब लग रहा है ना। इसकी जो अदर एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स है जो बाकी रह गई हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट करके पिन अप कर दूंगा, तो वो बेटर समझ में आ जाएगा आपको देख के,
बाकी मेरे को बस थोड़ा सा अभी यहाँ से निकल रहा था मैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को यहाँ पर कि जाएं थोड़ा देखें, जाएं थोड़ा देखें, लेकिन अभी फाइनली अभी आ जाना हुआ था। मौत आज देख के ही जाते हैं, तो मैंने एकदम से गांठ ही बांध ली थी कि आज देख के जाएंगे अच्छे से पूरा। ओह माय गॉड, गजब। पानी के बहुत सारे यहाँ तक आ रही हैं। गजब भाई, काफ़ी खुशनुमा इन्वायरमेंट है इधर का। तो यहाँ पर एक लास्ट में 12 सिंगा की फैमिली भी है, जिसमें दो बच्चे और मेल फीमेल दोनों।